private practice in the evenings and clinics. So today I'm here to talk about stress management. Stress is actually something, the way your body responds to all the external stimuli in your environment. Stress bura nahi hai, har ek aaj mein stress hota hai. Hum jis tarah stress ko handle karte hain, wo important hai. कि हम अपने आप को किस तरह ट्रेन करते हैं कि हमने स्ट्रेस को किस तरह लेना है. सो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस हमारी बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है, जो हमारी अब आजकल की डेली लाइफ है, उसमें हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, वो एक तरीका है. डैट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस कैन बी बैड, स्ट्रेस कैन बी गुड. How stress can be good? Stress can be good, yet it can make you productive. It can make you motivated. It can help you to overcome obstacles in life. So stress is also good. It enhances your productivity. Stress अच्छा भी होता है, क्योंकि stress आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है. Stress bad stress कब होता है? जब you are excessively stressed for a prolonged period of time. जब आप स्ट्रेस में हैं, हमेशा आपका एक एक्चुअली एक जिंदगी का तरीका बन चुका है कि आप स्ट्रेस में ही हैं और आप अपनी जिंदगी में उसी तरह कोप कर रहे हैं, वो बैड स्ट्रेस है. देन इट स्टार्ट इफेक्टिंग योर हेल्थ, इट स्टार्ट इफेक्टिंग योर मूड, प्रोडक्टिविटी, योर रिलेशनशिप्स एंड एक्चुअली ओवरऑल योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. दैट इज बैड स्ट्रेस. फाइट और फ्लाइट जो रिस्पॉन्स है वो एक्चुअली हमारी बॉडी का एक बड़ा नेचुरल सा रिस्पॉन्स है. वेन वी ओवरकम स्ट्रेस एंड एक्चुअली इमेजिन्ड और रियल थ्रेट, तो हमारी बॉडी जो होती है, आर नर्वस सिस्टम, इट रिलीजेस सम हॉर्मोन्स, स्ट्रेस हॉर्मोन्स इन टू आर बॉडी, विच आर कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन. और वो एक्चुअली हमारी बॉडी के में जब वो स्ट्रेस हॉर्मोन रिलीज होते हैं तो कुछ बॉडी रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, जैसे हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारे मसल्स टाइट हो जाते हैं और हमारे में भी हमारे थिंकिंग पैटर्न जो है वो कभी क्लियर भी हो जाते हैं, कभी ब्लरी भी हो जाते हैं. एज इफ व्हेन यू आर हैविंग एन रोड एक्सीडेंट, जब आपका कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए तो क्योंकि वो एक्चुअली एक इमेजिन नहीं है, वो रियल है. जब आपकी गाड़ी, मोटर बाइक, कोई चीज आगे किसी चीज में लगने लगी है तो वो एक एक्चुअली इमेजिन नहीं है, वो रियल थ्रेट. उस सिचुएशन में आपकी बॉडी जो है वो ये सारे बॉडीली रिएक्शंस शो करना शुरू कर देती है. अब वो जब सारे बॉडी रिएक्शंस शो होते हैं तो हमारी बॉडी को प्रिपेयर भी कर देते हैं, हमारा स्टेमिना भी इंक्रीज हो जाता है, इस वक्त हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है. अब ये हम पे एक्चुअली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं. फाइट और फ्लाइट इसलिए कि आइदर यू फेस द सिचुएशन और यू रन अवे फ्रॉम इट, तो ये बोथ सिचुएशन में हो सकती है. क्योंकि स्ट्रेस इस वक्त जरूरी भी है क्योंकि वो आपको बता रहा है एक्चुअली कि दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन, आइदर यू बी केयरफुल और यू रन अवे, आइदर यू फेस इट और यू रन अवे. सो दैट्स व्हाई स्ट्रेस इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. अब हमारे अंदर There are all kinds of emotions, feelings, emotions. हर एक अंदर होते हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. जब हम अपनी जिंदगी में ना हमेशा ये कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि हर चीज पॉजिटिव ही होगी, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. इट्स ओके टू फील स्केयर्ड, सैड, शेम, लोनली, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, अपसेट, एंजियस, जेलस, वरिड, गिल्टी, इनसिक्योर. Because we are human beings, we are not machines. So we feel all these emotions. They are positive and negative. But because we are human beings and we are not perfect. और हम अगर हमेशा यही पोज करते रहें कि नहीं, हमारे अंदर हमेशा सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस ही होंगे, वी कांट हैव नेगेटिव इमोशंस. क्योंकि एज वी आर ग्रोइंग अप, स्पेशली इन चाइल्डहुड, तो हमें अपने जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उसमें से मैसेजेस यही मिलते हैं कि जो नेगेटिव इमोशंस हैं दे आर बैड एंड यू कांट हैव देम. लाइक गुस्सा नहीं करना, अपसेट नहीं होना, परेशानी नहीं होनी चाहिए, शेम और एम्बैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ अस, सो वी हैव टू ओन देम.
stab them, but we have to actually accept them and be aware that we have them. And it's not wrong or it's not a sin to have negative emotions. So they are always causes of stress. These are external causes of stress. Being bullied. Bullying is very common in every stage of life. You are in school, university, workplace. और हमारी सोसाइटी में तो बहुत है और एक्चुअली हम उसको कवर अप भी कर देते हैं ना. वी टेक इट एज ह्यूमर और वी टेक इट एज कॉमेंट्स, बट बुलिंग इज एक्चुअली वेरी बैड एंड टॉक्सिक एंड वी एक्चुअली नीड टू एक्सेप्ट दैट वी आर बीइंग बुलिड. बुलिंग स्पेशली जो इमोशनल अब्यूज है, इट bullying and emotional abuse, they are very interconnected. Or it's very difficult to accept and identify bullying. But bullying happens. Working too much. When we are stressed for a long period of time and we don't know actually how to handle stress and how to deal stress, so we go in being a workaholic. हम हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाह रहे होते हैं. ऑल वी इंडल्ज इनटू आवर वर्क सो मच दैट वी डोंट हैव टाइम टू थिंक कि हमारी जिंदगी में क्या होगा. और एंड वी जस्ट कीप ऑन वर्किंग एंड वर्किंग एंड वर्किंग. दैट इज एंड इट एक्चुअली एक्सेलरेट्स स्ट्रेस. इट कॉजेज मोर स्ट्रेस. लूजिंग अ जॉब, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, दैट इज अ वेरी बिग स्ट्रेस. इट कॉजेज स्ट्रेस. It accelerates stress and it becomes a maintaining factor for stress also. Marriage or relationship problems. Again, if you are in a bad relationship or if you are having problems in your relationship, any kind of relationship, it causes stress. When you are unable to handle it and you think that you are losing control of that relationship, that is very stressful. Death in the family. Death is very natural, but how we deal with and cope with that death. जो grief है वो एक पूरा cycle होता है. अगर हम उसको and time, जब लोग कहते हैं time is the best healer, तो it's actually time is the best healer when you are facing death in a close family of a loved one. तो अपने आप को time दें. But कभी ये होता है कि हम उस पूरे trauma को block कर लें और हम ये प्रिटेंड करते हैं या हम सोचते हैं कि ठीक है हो गया है, बस ठीक है हो गया है. आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट एंड आई एम नॉट गोइंग टू डील विद इट. इट्स ओके. इट हैज हैपेंड एंड यू जस्ट प्रिटेंड एंड जस्ट कीप ऑन लिविंग योर लाइफ. देन इट अफेक्ट्स यू अ लॉट एंड इट बिकम्स अ मेजर स्ट्रेसर फॉर डिवोर्स. व्हेन यू आर फेसिंग एंड ऑफ योर मैरिज और रिलेशनशिप, देन इट एक्चुअली अफेक्ट्स यू अ लॉट in all the ways. Difficulties in school and workplace. If you are facing difficulties in school, as in your grades, your exams, preparation, assessments, and workplace about your performance, your relationship with your co-workers, and how is that environment of that workplace? It's healthy, it's motivating, or it's toxic, and actually you don't feel like going there. Sometimes jo aapki workplace hoti hai wo aisi hoti hai because you are stuck there and you don't have you feel that you have no way out, then it becomes a major stressor for you. The job jahan jis office mein ya jis organization mein kaam kar rahe hain, and if you are unhappy there, then it causes stress, a lot of stress. Family problems. If there are any problems in the family, it could be anything from your primary caregiver, secondary caregivers, your family, your parents, sibling, extended family, then it causes stress. And when you think that you are unable to handle those problems, and sometimes you block them, sometimes you deal with them, but maybe in ineffective ways, then it causes more stress. Recent move, जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह move किए, maybe from one city to another city, from one area to another area, from one country to another country, to
So it causes stress and it takes time to adjust to the new environment. Financial problems. I think that is a major stressor in our society, in our country these days. Because when you are unable to make your ends meet, it causes a lot of stress. These are internal causes of stress. Ab hota hai ki when we are young, in our childhood, every family has a coping style. Every environment has a coping style. जब जो बच्चा होता है वो वहाँ अपने घर से स्कूल से वो सीखता है क्योंकि बचपन से ही स्ट्रेस तो है going to school, meeting new people, exams, assessment. Every year you are moving to a new class, you are meeting new people. So there is always stress there. But how are you handling that stress? So every family, every environment has their own coping style. वो coping style जो है ना, we learn in our childhood. They could be optimistic or pessimistic. Optimistic as in positive. जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, आपके environment में हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, आप उसको कैसे ले रहे हैं? Negatively ले रहे हैं, positively ले रहे हैं? वो आपको affect करता है. और actually it becomes your nature. It becomes part of your habitual stance. वो आपकी habit बन जाती है. क्योंकि एक तो आपके घर में बहुत आपके पेरेंट्स कैसे कोप करते हैं, वो आपको क्या सिखाया है उन्होंने, आपके सिबलिंग्स कैसे कोप कर रहे हैं स्ट्रेस से, लाइफ से, हम ये जो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दे अफेक्ट अ लॉट एंड देन वी मेंटेन दैट कोपिंग स्टाइल क्योंकि वो वी लर्न इट एंड देन वी ओन इट एंड देन वी कीप ऑन लिविंग आवर लाइफ लाइक दैट. सो पेसिमिज्म डीपली कुछ फैमिलीज में होता है, एक ही पेरेंट्स के एक ही बच्चे, एक बहुत पॉजिटिव होता है और एक बहुत ही नेगेटिव होता है और उनके कोपिंग मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. एग्जैक्टली, उसकी क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली वो डिपेंड करता है कि आप अपनी एनवायरमेंट में से क्या ले रहे हैं, ठीक है, या आपकी जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, स्कूल, फ्रेंड्स, व्हाट आर यू गेनिंग फ्रॉम देयर? बिकॉज मे बी टू सिबलिंग्स, maybe two sisters, two brothers, they are brought up in the same environment. They are, but hota ye ke we as children, we respond differently to our parents. Aur ye bhi hota hai na ki har bacche ke sath parents ki expectations bhi different hoti hai. Aur even birth order matters a lot. First born, second born, third born. Hamari society mein gender of a child matters a lot. हम जितने भी कहें कि फेमिनिज्म और हम बहुत प्रोग्रेस कर गए हैं, बट दैट मेल एंड फीमेल चाइल्ड, दैट डिस्पैरिटी इज स्टिल देयर. सो वहां पे बहुत डिफरेंस है बिटवीन अ मेल चाइल्ड एंड अ फीमेल चाइल्ड. व्हाट आर दोज चिल्ड्रन गेटिंग फ्रॉम देयर एनवायरमेंट? व्हाट आर देयर दोज चिल्ड्रन गेटिंग फ्रॉम देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट? एंड देन दे पिक अप एंड मेंटेन देयर कोपिंग स्टाइल्स. बिल्कुल blood relations and siblings and but they have different outlook in their life. So pessimism, if aapka agar negative outlook hai, negative attitude hai towards your life in general, it affects you a lot. Aapne har situation ko ye dekhna hai. Main bahut jaldi mein jaungi, but hota ye hai ki aaj meri gaadi ka tyre puncture ho gaya, mere saath hamesha yehi hota. Traffic jam hai. मैंने जब कहीं जरूरी जगह पहुंचना होता है, जिस ऑलवेज वो जो है ना, इट हैपन्स टू मी, वाई मी, मेरे साथ ही होता है, मैं ही हूं उसमें. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. उसमें यू एक्सेप्ट योर सेल्फ अ लॉट. उसमें आप ये समझते हो ये मेरी वजह से, मैं ही हूं, बाकी सब लोगों की जिंदगी तो बहुत पीसफुल है, परफेक्ट है, ये मेरे साथ होता है. रिजिड थिंकिंग एंड लैक ऑफ फ्लेक्सीबिलिटी. आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो बहुत रिजिड है. जैसे मैं अभी कह रही हूँ मेरे साथ ही होता है, वाई मी. आपको लगता है कि एवरी, जैसे मैं अभी आपको कही थी प्रॉब्लम्स इन वर्क प्लेस, आई एम राइट, अदर्स आर रॉन्ग. मेरे अंदर कोई इश्यू नहीं है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो पीपल अराउंड मी दे हैव इश्यूज, दे हैव प्रॉब्लम्स, दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट मी. तो आपको सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है ना, वाई दे कंप्लेन अबाउट मी, क्या है आपके अंदर? कि कुछ तो है दैट ऑल द पीपल इफ दे से सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स अबाउट यू, देयर इज समथिंग व्हिच इज अफेक्टिंग यू एंड योर परफॉर्मेंस.
परफॉर्मेंस एंड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो रिजिड थिंकिंग इट इफेक्ट्स अ लॉट. इट इज अ मेजर स्ट्रेस इन योर लाइफ, क्योंकि आप हमेशा ये समझ रहे हैं मैं ठीक हूँ, दूसरे गलत हैं. मेरी माय थिंकिंग पैटर्न, माय आइडिया, माय ओपिनियन, दे आर राइट, बट अदर पीपल आर रॉन्ग. मेरी एनवायरमेंट में जो कुछ हो रहा है दैट इज नॉट गुड. और एक्चुअली वो आपका अपना इश्यू है, दैट इज योर ओन हर्डल्स, योर ओन इमोशनल बैगेज दैट स्टॉप्स यू. क्योंकि आपकी एनवायरमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है आपको. यू नीड टू हैव अ फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, थिंकिंग स्टाइल एंड कोपिंग स्टाइल इन लाइफ. एज वी ग्रो ओल्ड, वी बिकम मैच्योर, आवर लाइफ चेंजेस, सर्कमस्टांसेस चेंजेस, एनवायरमेंट चेंजेस. पिछले 10 साल में दुनिया कितनी चेंज हुई है, हमारा मुल्क कितना चेंज हुआ, हमारी सोसाइटी कितनी चेंज हुई है. अब अगर हम उसको लेके बैठे, 10 साल पहले कितना अच्छा था, या 20 ईयर्स बैक सब कुछ कितना परफेक्ट था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ना यू कांट बी हैप्पी, यू कांट बी इन पीस. क्योंकि आप वही चीज जो पहले 10 साल पहले थी, 20 साल पहले थी, आप वहां रह रहे हैं, आप अपने प्रेजेंट में नहीं है. आपकी जिंदगी की तरफ जो आउटलुक है वो फ्लेक्सिबल नहीं है. नेगेटिव सेल्फ टॉक, ऑल ऑफ अस वी हैव, यू नो, वी हैव सेल्फ टॉक, वी टॉक टू आवर सेल्फ्स दैट मे बी देयर थॉट, देयर इज अ वॉइस, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाउ यू डील इन लाइफ, हाउ यू डील विथ अदर पीपल अराउंड यू, हाउ यू डील विथ योर ओन सेल्फ. वो कितनी पॉजिटिव है, वो कितनी नेगेटिव है. I am a loser, I always fail. I always try, but hota kuch nahi. I have put in so much effort, but the result is zero. Okay, I didn't succeed this time, but I will put in more effort. And let's see what happens next time. Ye approach hai na, ya ki, this is how you deal with your own self. This is how you cope with your own self. एक पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव. आप अपने आप को क्या कह रहे हैं, ठीक है, आप अपने आप को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ. नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन हैज फ्लॉज, एवरीवन हैज वीकनेसेस, एवरीवन हैज स्ट्रेंथ. हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, हम अपने आप को आगे ले जाने के बजाय वी आर स्टक और हम दूसरों को कॉपी कर रहे हैं. इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग एंड आइडेंटिफाई कि मेरे अंदर पॉजिटिव चीजें क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, बट हम अपनी एक्चुअली होता ये कि हमारी जो सोसाइटी के जो प्रेशर होते हैं, हमारी फैमिली से, फ्रॉम आवर वर्क प्लेस, फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, उन सबको ना अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर, एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग एंड डूइंग वॉट दे वॉन्ट टू. And that is very stressful. It causes major problems in our lives. हम ये realize ही करते हैं what do we want? क्योंकि what do we want? What can we do? What the society wants us to do? What our family wants? इन सबको आपने मिलाना है. And then you can move on in life or lead a peaceful and happy life. आपने देखना है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मैं क्या नहीं कर सकता. एक्चुअली इसके अंदर बहुत ज्यादा आता है पीपल प्लीजिंग बिहेवियर, क्योंकि हम एक हमारी ये वी मेक दिस आर हैबिट, वी कांट से नो टू आवर सोसाइटी, वी कांट से नो टू अदर्स इन आवर सोसाइटी. दिस इज अगेन लर्न बिहेवियर विच वी पिक अप इन आवर चाइल्डहुड, स्पेशली फ्रॉम आवर एल्डर्स. बिकॉज हमारे रिलीजन से भी हमें यही मैसेज मिलता है कि जो बड़े हैं उनको कभी ना नहीं कहनी, क्वेश्चन नहीं करना, जो कह रहे हैं कर लो. तो वो हमारा एक हैबिट बन जाती है, वो हमारा एक कोपिंग स्टाइल बन जाता है जिंदगी में, मैकेनिज्म बन जाता है, कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है कि वी कांट से नो टू अदर, एंड देन वी कीप ऑन लिविंग आवर लाइफ लाइक दैट. अंदर गुस्सा है दूसरे किसी के लिए भी, but on the face we are very loving and friendly to that person and telling him or her yes I'll do that, yes I'll do that. Andar kya ho raha hai, what is happening inside your body? You have to listen to what is happening to your body. What are you doing to yourself?
people pleasing behavior, it affects a lot. It actually affects your life. It is a very major stressor in our lives these days. And negative self-talk thrives on that. Because then we are unable to cope in life. हमने इतनी ज्यादा चीजें जमा कर ली होती हैं अपने लिए कि वी कांट हैंडल देम, वी कांट डील विद देम, एंड देन वी कीप ऑन पुटिंग नेगेटिविटी इनसाइड अस. हमें यही लगा होता है आई एम अ फेलियर, आई एम अ फेलियर, कि मैं ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फुलफिल अदर पीपल्स विशेज एंड देयर एक्सपेक्टेशन एंड देयर ड्रीम्स, नॉट रियलाइजिंग वॉट वी वॉन्ट. Unrealistic expectations and perfectionism. Unrealistic expectation as in, you know what you can do and what you cannot do. And then you start making unrealistic expectations from your own self. And most of the times, these expectations are not your own. These expectations are from the outside world, from your family, friends. Maybe you pick them in your school, in your university, from your outside environment, from your workplace. They could be anyone. And then you own them. And then you make them part of yourself. You start owning them and you start living them. So, but they are still unrealistic and you cannot come up to them. Aap unko pura nahi kar sakte hai. So what do you do? You struggle more. Or you do nothing. Dono cheeze hai na. Either you work more hard towards achieving them or you realize, main to kuch bhi nahi kar sakta. So there is no point in doing anything. So let's not do anything. Kuch bhi na karo. Koi baat nahi. Kyunki pura ye ho nahi sakta na. Apni abilities ko realize nahi karte na. Everyone has different abilities, different mindset, different upbringing, different education. उसके बाद हम जो एक्सपेक्टेशन होते हैं देन वी कैन एक्चुअली एनालाइज देम. बट हम वो जो अनरियलिस्टिक होती हैं दूसरे लोगों के लिए होती हैं और दूसरे लोगों की होती हैं. सो हम उनके साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं. मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए या मुझे इतना फिट होना चाहिए, मेरी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, मेरी जॉब ऐसी होनी चाहिए. हर चीज जो है ना वो एक परफेक्शनिज्म की तरफ जाती है. उसमें कोई रियलिस्टिक एंगल नहीं होता. एंड वी स्टार्ट रनिंग आफ्टर देम एंड देन वी फोर्स आवरसेल्फ्स, वी पुट मोर स्ट्रेस ऑन आवरसेल्फ्स, नॉट रियलाइजिंग कि हम ये नहीं कर सक रहे क्योंकि बिकॉज मे बी वी डोंट इवन वॉन्ट टू डू इट. आई कैन बी हैप्पी द वे आई एम, हाउ माई लाइफ इज, द वे आई एम लीडिंग माई लाइफ, बट दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशन पे चार पूरे नहीं उतर रहे होते. एंड दोज एक्सपेक्टेशन बिकम आर एक्सपेक्टेशन एंड देन दे बिकम मोर स्ट्रेसफुल. सो यू नीड टू सेट सम वेरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इन एवरी वे ऑफ लाइफ, आदर इट्स रिलेशनशिप और इट्स योर वर्क और इट्स योर एजुकेशन. यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट what you can do and what you cannot. Inability to accept uncertainty. Life is very uncertain. This world is very uncertain. And in our religion, we know, hame to ye bhi nahi pata what is going to happen tomorrow. So hum jab apni bahut wo rigid thinking hoti hai na, to hum zindagi mein changes ko accept nahi kar sakte aur hum चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू कंट्रोल आर रिलेशनशिप, वी ट्राई टू कंट्रोल अदर पीपल, वी ट्राई टू कंट्रोल आर एनवायरमेंट. एंड व्हेन वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग वी बिकम मोर स्ट्रेसफुल. तो सबसे बड़ी चीज तो जो है ना वो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वी कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, वी कैन नॉट कंट्रोल एनीवन इन दिस वर्ल्ड. ये बड़ा ना डिफिकल्ट होता है एक्सेप्ट करना. पहले तो अवेयरनेस ही नहीं होती और उसके बाद एक्सेप्टेंस. I cannot control anything in this life. I cannot control anyone in this world. ये भी बड़ा मुश्किल होता है because we start controlling others around us. ये एक human instinct है because it gives us the feeling of being powerful. It makes us more strong. So
तो हम अपने रिलेशनशिप में बहुत करते हैं. वी ट्राई टू कंट्रोल पीपल अराउंड अस. वी ट्राई टू कंट्रोल आवर स्पाउसेस, आवर पेरेंट्स, आवर चिल्ड्रन, और मे बी पीपल वर्किंग अंडर यू. दिस इज वेरी कॉमन वर्क प्लेस. वी थिंक दैट वी आर मे बी नॉट इवन सुपीरियर देन अदर्स, बट वी डू दिस. वी ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स अराउंड, वी ट्राई टू कंट्रोल पीपल अराउंड, बट वी कैन नॉट डू दिस. एंड देन अगेन इट इज एक्चुअली लिंक्ड विद योर थिंकिंग स्टाइल, कि आपके थिंकिंग स्टाइल कितना रिजिड है या कितना फ्लेक्सीबल है. That you are able to cope with changes in your life, changes in your environment, changes in your family, changes in your workplace, in your job. Okay. So let's talk about anxiety. I emphasize actually on anxiety a lot because all of us we experience anxiety at some point in our life, even on daily basis. एंग्जाइटी के ऊपर क्या आपको नजर आ रहा है? एंग्जाइटी के ऊपर है नेगेटिविटी, है आपका नेगेटिव आउटलुक है. जनरल आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ इज वेरी नेगेटिव. एंगर है, स्लीप इश्यूज है, ओवर प्लानिंग है, अवॉइडेंस है. अब वो एंग्जाइटी के नीचे क्या है? क्योंकि हमें ये समझ आना चाहिए कि मैं परेशान हूं, बट ये नहीं समझ आती वाई आई एम एंग्शियस, वाई आई एम ऑलवेज अनहैप्पी, not peaceful, and why I always feel angry. I'll come to anger later in the next slide. Anxiety, guilt hai, you are feeling hurt, you are in pain, insecure hai aap, you are feeling helpless, you are jealous of others. So it's okay to be jealous of others, but you don't allow yourself to be jealous of others. Regret hai, embarrassment hai, disrespected, you feel disrespected by others. You are shameful, you feel rejected, lost, stressed, detached, confused, lonely. All of this, we experience all of these at different stages in our life. But the issue is how we handle them. Are we aware of these negative emotions? Do we own them? Do we accept them? But we generally don't, क्योंकि हम समझते हैं कि ये क्योंकि बहुत बुरे हैं तो हम तो इतने बुरे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, so we can't feel these negative emotions. वो सब कुछ नीचे होता है, सरफेस के नीचे होता है. मे बी यू आर पाइलिंग अप ऑल दीज नेगेटिव इमोशन ओवर योर लाइफ. पिछले जितनी जिंदगी में आप गुजरे हैं, डिफरेंट इवेंट से आप उसको पाइल अप कर रहे हैं. डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, गिल्ट है, यू फील इन पेन, यू फील हर्ट, बट यू डोंट एक्सेप्ट इट. एंड देन इट कीप्स ऑन पाइलिंग अप एंड अप एंड अप एंड देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन यू कैन नॉट हैंडल इट. व्हेन यू कैन नॉट हैंडल इट एंड देन एंग्जाइटी बिकम्स सो मच that you cannot handle that anxiety. वो जो परेशानी है वो हर वक्त है, वो अब बहुत ज्यादा है. तब आपको शायद वो परेशानी समझ आ जाएगी, मैं परेशान हूं, मैं नाखुश हूं, there's something wrong. But what is wrong? वो समझ नहीं आएगा. Physical symptoms of stress. When we keep on experiencing stress for a long period of time, excessive stress, then our body reacts. क्योंकि वो जो स्ट्रेस है वो कहां स्टोर हो रहा है? इट इज स्टोर, वी आर स्टोरिंग इट इन आवर बॉडी. एंड देन देयर कम्स अ टाइम व्हेन आवर बॉडी रिएक्ट्स, क्योंकि हमने उस स्ट्रेस को डील विद देम, हमने उस स्ट्रेस को कोप नहीं किया, डील नहीं किया, हमने उसको सिर्फ जमा किया. इट्स एक्चुअली आई गिव एग्जाम्पल ऑफ टू माई क्लाइंट ऑफ अ ड्रम. आपने एक ड्रम में डाल देती है गुस्सा, हर्ट, पेन, गिल्ट, helplessness, and you just keep on piling it up, storing it, and there comes a point when that container is so full that you cannot close it, you cannot put the lid on it. Then it becomes very problematic.
we experience headaches, you trouble sleeping or sleeping too much, muscle pain or tension, digestive issues, high blood pressure, anxiety, restlessness. All we got in the list goes on and on. Stress and anxiety causes a lot of physical issues these days. Because when you go to a doctor for any health issue, he or she will ask you, the first question they ask you, aap stress mein hai? Aapke saath kya ho raha hai aajkal? Because stress and anxiety causes a lot of physical health issues now when you don't deal or cope with that stress. Anger. Ab anger bhi jo hai na, kyunki humne since childhood we have seen people getting angry around us. So anger hamare liye bada wo ek ho jata hai, something which we can do, something which we are allowed to do, because we see our parents getting angry, our friends getting angry, teachers getting angry, and then when we grow up, we move on in life, other people getting angry, you see people get maybe from your superiors at your workplace getting angry. So anger is something which is familiar to us. So hum apne aap ko na angry hone ki ijazat de dete hain, but us anger ke niche bahut kuch. Or anger will be that when you keep on accumulating and depositing anger in your body and you don't allow yourself to accept and be aware of that anger. Anger jama ho raha hai. You are angry at someone, but face pe you are smiling and saying, yes, I karunga. You are angry at your boss, you tell him, yes, yes, it's my fault. Jabki aapko pata hai, meri galti nahi hai. Okay, it's my fault, I'll do it again. You're getting angry. See, all cheez mein, maybe your friend has done something to you and you are angry at him or her and you are saying, yeah, koi baat nahi, it's okay, but you are angry. So hamara jo ek zindagi mein coping style ho jata hai, we keep on piling up anger as well. Aur uske baad hota ye hai, kuch dino ke baad jab anger erupts like a volcano. Why is it shown in a volcano? वो एंगर जो होता है ना, वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है, वो किसी और के ऊपर निकलता है. क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी शार्प, हमें पता है हमें वो गुस्सा किसके ऊपर निकालना है. वो एक्चुअली गुस्सा किसी और के लिए होता है, पीछे से चला आ रहा होता है और वो निकलता किसी और पे, मे बी ऑन आवर स्पाउस, ऑन आवर चिल्ड्रन. हमें पता होता है कि व्हेन वी बिकम एंग्री एट देम, वी वोंट बी टू हैव टू पे द प्राइस, वी वोंट हैव टू फील और सी द कॉन्सिक्वेंस. सो एंगर हम बहुत ज्यादा डिस्प्लेस करते हैं, वो भी हम एक लर्न्ड बिहेवियर है कि एंगर को हम जब गुस्सा आ रहा है किसी पे, तो उसने अगले बंदे को ये नहीं कह सकते आई एम एंग्री एट यू, तो वो एंगर हम अपनी बॉडी में स्टोर कर रहे हैं, स्टोर करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और वो फिर एक वही पॉइंट आता है कि जब वो कंट्रोल नहीं हो सकता, एंड देन इट कम्स अप for you in a very bad way. Emotional symptoms of stress, panic attack. Panic attack imagined bhi hote hain, panic attack real bhi hote hain. Panic attacks are actually when your body, when you feel there's something very troublesome happening in your body. Panic attacks, people have panic attacks in which they feel like they are having a heart attack, which is not actually a heart attack. They feel it's a heart attack, but it's not. That is a panic attack. When you feel so much anxiety that you are unable to control it, and your maybe your breathing rate becomes very, very high, heart rate bahut zyada high ho gaya hai, bahut zyada sweating hai, trembling hai, and you feel that I'm unable to control it. This situation, I'm unable to control anything in my life. You start having panic attacks, excessive worrying. हर चीज हर बात पे परेशान हो गए. आज ये नहीं हुआ, मैं परेशान हो गया. ये आज भी सही नहीं हुआ, मेरी गलती है, परेशानी. Again, that how you look at your life. It's either negatively or positively. क्योंकि वो आपका बन गया है ना. That is how you are coping, moving on in life. हर चीज की परेशानी, कॉन्स्टेंट प्रेशर रिलेटेड टू स्टडीज और वर्क, वेन यू हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ, वेन यू हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स
and you are always feeling that pressure that you are not coming up to that standard. जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्चुअली इतना अनरियलिस्टिक और हाई है कि वो अचीव नहीं हो सकता. लेकिन हम अपने आप को कैटर ले रहे हैं ना, पुश कर रहे हैं, ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना, बट नहीं कर सकते. वो प्रेशर फील होना शुरू हो जाता है, हर वक्त वो प्रेशर फील होना शुरू हो जाता है बिकॉज स्ट्रेस इज स्टोरिंग इन योर बॉडी. तो वो फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट हो रहा है. Stress is actually telling you that something is not right in your body. Kyunki har waqt ek pressure hai. And that pressure is for your own self and your body. Loneliness and isolation. Because we human beings, we are social animals. We cannot live in loneliness. But in today's demanding world and all this overexposure to social media, we have so many online friends. So many virtual friends, but we are lonely. Most of us feel lonely. Why? क्योंकि जो हम feel कर रहे हैं वो हम किसी को कहते नहीं हैं, हम share नहीं करते, हम support ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते. और हम ये समझते हैं क्योंकि अगर हम किसी को बताएंगे, किसी को share करेंगे, the other person will think that we have an issue, we have a problem, or we are lesser than the other than people around us. So we just make up that false pretense in life. हम जिंदगी में वो जो अपनी false appearances हैं और जो mask हैं उनको बस पहन के हम we just keep on living. But it affects our life. Loneliness is actually the major cause of depression and suicide in Europe. To Google loneliness, you'll find that people are very lonely there. But then they do research and then they find it. हमारे यहाँ तो researches नहीं होती, so we can't even know what is happening with people around us. Lack of motivation, because you don't feel internal motivation. External तो नहीं है, because the world is so harsh and unfair now that it's very difficult to find external motivation from your environment. So that motivation has to be internally. That you feel so grounded and strong. Aap apne aap mein, you are aware of your strengths, your weaknesses, and you are clear about your goals and how you are looking at them and how you are working towards achieving them. And all of these have to be realistic. And then you feel internally motivated that yes, I can do it. अगर मैं अभी नहीं कर सका, I will put in more effort and let's give it another try. और फिर देखते हैं क्या होता है. But आपकी जो सोचने का तरीका है वो क्या है? It affects a lot. Moodiness, irritability or anger. You are always in a bad mood. You are irritable, you are anxious, or you are angry. ये सब कुछ आप feel कर रहे हैं, लेकिन show भी नहीं कर रहे, accept भी नहीं कर रहे. You are in a denial. ऊपर से आप हर एक लेकिन सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, everything is fine, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, all is well in life. But अंदर there is a lot happening inside you. But are you aware of it? Or are you ready to own it? So anger affects us a lot. Anger affects our daily lives, anger affects our productivity, anger affects our relationships, anger affects our quality of life. But we have to see where that anger is coming from, why I am angry and who I am angry at. Behavior symptoms of stress. Social withdrawal from others. When you feel so anxious, stressful, you're stressful all the time and stressed also that you don't feel like meeting other people. That is actually the first sign of depression. When you don't feel like meeting anyone in your life, even your close family, siblings, your
extended family or friends, anyone. You don't feel like talking to them. You don't feel like replying to their messages, taking their calls, or even any contact with them. These are the behavior symptoms of stress that they show us that something is not right. Using alcohol or drugs. The substance abuse is very common in all stages and ages of life. When we think we are unable to handle problems, stressors in our life, we indulge into substance abuse. We either go towards alcohol or drugs. Maybe there are so many factors that we start using them, but the major cause of going in this kind of behavior is always stress. Procrastinating or neglecting responsibilities. You know that something is coming, these are your responsibilities, but you are not able to fulfill them or you keep on delaying them. If you are studying, exams hai, assessment hai, koi assignment hai, but you keep on delaying it for the last moment. Because why are you doing it? It is actually operating on fear of failure. Because fear of failure is na zyada hai that you keep on delaying it. Zindagi mein kuch bhi karna hai, koi bhi kaam hai, kuch bhi hai, koi exam dena hai, कोई किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, कोई इंटरव्यू है, यू कीप ऑन डिले, यू कीप ऑन थिंकिंग क्या फायदा, रहने दो, नहीं करता, क्या क्या मिलेगा मुझे करके. सो दैट इज ऑल्सो अ बिहेवियर सिम्टम ऑफ स्ट्रेस. और वो भी अगेन इट इज अ लर्न बिहेवियर विच यू हैव लर्न फ्रॉम योर पास्ट. एंड दैट फियर इज सो मच दैट इट्स एक्चुअली यू स्टार्ट ऑपरेटिंग ऑन इट. That you start actually neglecting your basic responsibilities in life. Whatever your responsibilities in life are, towards your family, even yourself, your friends, towards your job, you start neglecting them. Sleeping too much or too little. Either you are not sleeping at all, because 7 to 8 hours sleep is necessary for us. Every day, in 24 hours, we need to have 6 to 8 hours of sleep to function normally on daily basis. Or you are sleeping too much, that you are most of the day you are sleeping. That is also a behavior symptom of stress. Again, then eating too much or too little. Either you are not eating at all, or you are indulging to emotional eating and you eat a lot. We do a lot of emotional eating in our lives because when there is a lot of stress and anxiety, the first signal our body give us is that we are hungry. And then we eat junk food. We take excessive sugar and carbohydrates because it makes us feel calm and happy. So we indulge in a lot of emotional eating. Emotional eating becomes our coping mechanism. And it is damaging our physical health a lot. Because all of us don't understand how to handle and deal with stress in our lives, so we just eat. And it actually helps us feel strong, happy for the time being. Thodi der ke liye wo problems हल हो जाती हैं, वो मसले लगता है खत्म हो गए हैं, मे बी वी ब्लॉक देम और वी जस्ट प्रेस देम. सो वी इंडल्ज इन इमोशनल ईटिंग, बट इट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, फॉर आवर फिजिकल हेल्थ. लास्ट वन, ओके, नाउ वी आर कमिंग टू कोपिंग मैकेनिज्म, हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म विच वी कैन हैव to cope with stress in our lives. क्योंकि जो हमने अपनी जिंदगी में अब तक सीखा होता है उसको चेंज करने की जरूरत होती है. Because we are not handling stress in an effective manner, so that's why it is affecting our lives. Mental health decluttering. So things to keep in your life.
थिंग्स दैट मेक यू लाफ स्माइल. आपने खुद देखना ना आपकी जिंदगी में क्या चीज है जो आप विच इज ब्रिंगिंग हैप्पीनेस इन योर लाइफ. सो यू कीप द रिलेशनशिप पीपल अराउंड यू हु आर मेकिंग यू हैप्पी. क्योंकि हमने जिंदगी में कभी सीखा ही नहीं है स्पेशली पीपल अराउंड अस हाउ टॉक्सिक दे आर एंड हाउ दे आर अफेक्टिंग आवर लाइफ. वी नेवर से नो टू देम और वी नेवर इवन ओन आवर राइट्स. अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर ग्रैटिट्यूड थैंकफुलनेस. It's very important to develop gratitude in our lives. हमारा जो religion भी हमें सिखाता है शुक्रगुजारी. So the most, the first thing we need to be thankful about is a healthy body. हम नहीं realize करते unless we are not well. जब तक कोई बीमारी नहीं आती तो हम अपने हमारी फाइव सेंसेस काम कर रही हैं. आई एम वॉकिंग आई कैन यूज माई हैंड्स आई कैन सी आई कैन हेयर आई कैन ईट. उन सब चीजों को हम रियलाइज ही नहीं करते. एंड देन देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड अस हु आर सफरिंग इवन फ्रॉम आर फ्रॉम टर्मिनल डिजीजेस. देयर आर सो मेनी डिजीजेस नाउ जो हम वी कीप हेयरिंग अबाउट देम नाउ विच आर इनक्योरेबल. बट हम अपनी फिजिकल हेल्थ को कभी भी कंसिडर ही नहीं करते. हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड वी हैव अ हेल्दी बॉडी फिर सो के हर एक ही है बट हर एक ही नहीं होती. वी कैन सी वी कैन हेयर वी कैन टेस्ट वी कैन वॉक. दीज आर द बेसिक थिंग्स टू डिवेलप ग्रैटिट्यूड इन लाइफ. And then there are so many other things to be thankful about. The relationships we have, the people we have in our lives, they are again a source of being thankful. As I said, we cannot live alone in this world. But hum usme bhi, we take them as granted. We start taking our family as granted. We are not thankful for what they are doing. Especially of our spouses, of our wives, what they are doing for us, even our husband, what they are doing for us. It becomes very mechanical for us. And we don't cherish relationships. Even our siblings, our parents, we think and consider it's a duty. Kuch bhi nahi kar rahe. Duty hai. People who lift you up. Again, people and relationships. Who are helping you to move on in life. So it works in both ways. Either those people relationships are bringing you down in life or they are moving you up in life. But every relationship is give and take. Hum apni taraf nahi dekhte ki hum apni mistakes ko own nahi karna chahte. Every relationship is give and take. You will get what you are giving. Aapko wahi milega jo aap de rahe hain. If you are behaving in anger, you are anxious, you are trying to hurt other people in your life, this is what you will get back. Activities, hobbies that are fulfilling. Give importance to yourself. See what makes you happy. See what makes you peaceful. Wo choti choti cheeze ho jati hai. Hum actually zindagi mein na We keep on waiting for something special and magical to happen. और जो होती है ना खुशी और सुकून in the moment, we just neglect. मुझे ये जॉब मिलेगी तो मैं खुश हूंगा, मुझे ये वाली गाड़ी मिलेगी तो मैं खुश हूंगा, मुझे इतनी सैलरी मिलेगी तो मैं खुश हूंगा, मैं यहां जाऊंगा तो खुश हूंगा. You can find happiness in little things in life. आज कितना अच्छा मौसम है. I'm having a cup of coffee. I'm having a cup of tea. These are little things which can make you happy or these are little things which you can neglect or ignore in life. Again, how you are looking at your life.
how you are responding to things around you. Stop waiting for something extra to happen in your life to be happy. Because that milestone, that benchmark you have made for yourself, maybe you won't achieve it throughout your life. And then you just keep on living in your life, being unhappy, waiting. कि ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, ये सब मुझे मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा. Spare time to practice self care. Self care is very important. Self care means how much importance you give to yourself. Are you aware what makes you happy? And you take time in your life to do it. Any hobby, reading, watching a movie, watching TV, spending time with family, spending time with friends, that makes you happy. But spending time with family and friend doesn't mean that you are sitting with them and everybody is just looking at their phones or their digital devices. That is, I think, the biggest dilemma in our society now. Because we are hooked to it, our digital devices and smartphones. And that is making us more anxious, lonely and stressful. कि वो जो quality time है which we can spend to make us happy, we just spend it on our phones or any digital device. Thinking कि बस यही है ना, and it makes us more anxious. Now the doctors and researchers are telling us that how much time we should spend on our screen. And how much time we are spending on our screen. And what is that making us? List of positive affirmations. Positive self-talk. I am able to do this. These are my strengths. I am getting better and better. I can do this. I will give or put in more effort. I feel happy today. I am relaxed right now. These are all positive affirmations that you can give to yourself. But होता क्या है? हम अपने आप को क्या कह रहे होते हैं? आज ये नहीं हुआ. आज का दिन बहुत बुरा है. सड़क पे रश भी बहुत है. आज बॉस का मूड नहीं अच्छा मेरी वजह से. ये काम करना था ये भी नहीं हुआ. Actually, we have a lot of to-do list. हमने अपनी जिंदगी में ना नॉट रियलाइजिंग कि वो 24 आवर्स ही हैं, उसमें हम रियलिस्टिकली क्या क्या कर सकते हैं. और करना हम बहुत कुछ चाहते हैं और वो सब कुछ हो नहीं सकता और कंट्रोल भी नहीं कर सकते. तो वो अपने आप को सब क्या कह रहे होते हैं? आई एम अ फेलियर. ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं कर सका, वो भी नहीं कर सका, ये करना था, वो करना था. तो अपनी जो टू डू लिस्ट है ना उसको बड़ा रियलिस्टिक रखें. और जिंदगी में ना जो है ना प्रायोरिटाइज करें. व्हाट डू यू वांट टू डू एंड व्हाट यू कैन डू, बट यू कैन डू इट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ. यू हैव टू डू दैट फॉर योर ओन सेल्फ. पेशेंस एंड कंपैशन टुवर्ड योर सेल्फ. पेशेंस एंड कंपैशन. पेशेंस टुवर्ड योर सेल्फ एंड टुवर्ड अदर ऑल्सो, टुवर्ड लाइफ. Or how we as a nation are very impatient. And we can see that on our roads. Itna road rage hai hamare andar, jo sadakon pe nazar aata hai. We as a nation are very angry also. And we try to take out that anger on the roads. Wo patience hi nahi hai. Halanki hamara religion hame kya sikhata hai? Sabar. Sabar. Compassion. We don't feel what we are going through. We don't give ourselves the right or that space to feel what we are going through or to give us that support and affection. अपने आप को कोई बात नहीं, आज ये नहीं हुआ, कल हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा. अपने आप को वो स्पेस भी नहीं देते कि अगर मैं नहीं ये कर सका, कोई बात नहीं, अगले दफा हो जाएगा, कल हो जाएगा. और दूसरों को भी नहीं देते क्योंकि अपने आप को भी नहीं दे. बिकॉज यू आर नॉट कंपैशनेट टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, सो दैट्स व्हाई
we are not compassionate towards others also. Sometimes we don't even see them as human beings capable of making mistakes, and we don't consider ourselves as human beings, not robots, not a mechanical machine of making mistakes or facing failures in life. To throw away things, overuse of social media. My clients come and then they share. I see that on Instagram, Facebook, and now there are so many other things. My friends they have a perfect life. They are doing this, they are going there, that there. But meri zindagi mein sirf issues or problems. No one posts about their problems, their issues, how sad I'm feeling today, I am depressed, I'm having these issues in life on social media. Humne apni zindagi mein na ko revolve karna shuru kar diya on social media. And that is making us more unhappy and more stressed. Picture lagaunga to sabko pata chalega maine ye kiya hai. Kiya ya nahi kiya wo to aapke apne liye na. That happiness, that peace is for your own sake, not for others. Why are you worried about others? What do they think about you? What do they like about you? How much importance they give you? And this is what we are running after now. Perfectionism does not exist in this world. No one is perfect. We are not perfect. Even all the people we look up to, all the heroes, they are not perfect. But we want perfection in our life. We want everything to be perfect. Sab kuch sahi hona chahiye. Galti bhi gunjaish. Allow yourself to make mistakes and give yourself the right not to be perfect. Poor sleep routine. You're not sleeping at least the minimum 6 to 8 hours, and that is making you more stressful, tired, toxic people and relationships in life. People who are always complaining about you, bringing you down. Sometimes we are stuck in a situation where we cannot leave those people. Like in a workplace. Workplace mein toh bahut hota hai, in your job, maybe your co-worker, your boss, people around you. They are toxic, but you are stuck there. Aap usko cope kaise karte hain, handle kaise karte hain. You tell yourself, I am here. Unless I go to a new job, I am here. So, how I respond to this person? He's scolding me so that I get angry. And he gets satisfied. Am I giving him that satisfaction that he keeps on doing it? Then again it comes to how your outlook is in life. Whether it's positive or negative. Past circumstances that no longer serve you. Actually living in a past, your past. Wo waqt kitna achha tha. Aur always having these thoughts ki ye ho jata to achha tha. Ye ho jata to achha tha. Us waqt maine ye kyun nahi kiya. You cannot go into the past and change it. But you make your life in your present miserable thinking about the past ki ye ho jata to achha tha. And that actually affects your life. Because you keep living in the past and you don't focus on present, on your here and now. What is happening right now? Aaj kya ho raha hai? Abhi kya ho raha hai? Because you cannot change the past. Regret, guilt, shame. Everyone makes mistakes. We have, as human beings, we are not perfect. But how we accept those mistakes and failures. हम हर वक्त उस पछतावे में रह रहे हैं, वही पास्ट में रह रहे हैं. अगर ये हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, अगर उस वक्त मैं ये कर लेता तो ये ना होता, और ये इस वक्त मैं ये ना हो रहा होता. And that guilt is very natural. When you have that outlook, that thinking pattern in his life, that everything is negative and it is happening because of me, it is happening because of my
my weaknesses in life. It is because I cannot do anything in life. It's a cycle. It comes, regret comes, guilt comes, and then comes shame. And we do not allow ourselves to be even aware of them. Regret, guilt, shame. We don't even own them, but we are stuck in them. So these are the things which you have to throw away. But it will take effort and time. Because you have been living like that your whole life. So it takes a lot of effort and time to change them. Support. You have to find a support system in your life. People around you, they are very important. Start cherishing those relationships. Stop taking them for granted. Start spending quality time with them, with your parents, your spouse, your children, your friends. Especially when a parent dies and then we have this regret that ki maine tumke saath time spend nahi kiya, mujhe to mauka hi nahi mila unse baatein karne ka ya unko ye kehne ka. So start cherishing your relationships. That is your basic support system in life. Your parents, siblings, the spouse, children, friends in life. Start giving them importance. Stop taking them for granted. And spend quality time with them. Quality time as in when you are actually talking to them. Yes. Not texting them. Or when you are sitting with them, you are not on your phone. Relaxation exercises and meditation. I'll tell you a few apps. There are many free apps and there are meditation, guided meditations on those apps. We must incorporate and include relaxation exercises and meditation in our life. Our daily life is so stressful now that we have to do it. We need it on daily basis. There are 10-15 minutes exercises which you can do every day, at least once a day. Raat ko baith ke karne, sone se pehle. It improves your sleep quality also. But you must do it. They are very important. Problem solving. Problem solving attitude. How you solve problems in your life. How you look at them. ठीक है जिंदगी में दिस इज एन ऑब्स्टिकल इज अ प्रॉब्लम आई वर्क टूवर्ड्स इट मैं ये कर सकता हूँ मैं ये नहीं कर सकता हूँ बट रियलिस्टिक अप्रोच टूवर्ड्स इट फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज वॉक जिम योगा एनीथिंग वी डोंट रियलाइज बट इट एक्चुअली रिड्यूसेस स्ट्रेस इन आवर बॉडी It actually helps us to fight with stress. It helps us to release stress when we are indulging in any kind of physical activity. कहीं भी हम रोज 10-15 मिनट वॉक भी कर रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है एक्चुअली when we are doing any kind of exercise. Professional help. When you feel that there is I am having anxiety for a long period of time. Maybe I am moving towards depression. Then you have to seek help. जो हमारी society में कुछ shame और embarrassment linked है ना with mental health issues, it has to be changed. And for your own sake, for your own self, you are the only one who can take that step. Or maybe people around you, your friends, family, they are going through something. And you realize that they are having an issue, a problem, but you don't tell them. कि मुझे लगता है कि आप ऐसे कुछ अरसे से आप ये सब गुजर रहे हैं आपके साथ गुजर रहे हैं आपको कोई किसी के पास जाना चाहिए हेल्प लेनी चाहिए वो अवेयरनेस नहीं है अवेयरनेस भी नहीं है और एक्सेप्टेंस भी नहीं है फ्लेक्सीबल भी नहीं है As I'm saying from the very start. How flexible is your attitude in life? Because things will change in life.
maybe problems will come, circumstances change, your environment change. How flexible we are to cope with those changes in our environment, in our life. Positive attitude in life. Realistic expectations. Positive thinking patterns. That is very important. Because the stress hai, that is part of our life now. But most important is how do we cope with it? How do we handle it? And what is our coping mechanism towards it? Rest and sleep. Our body needs to rest. Our body needs sleep. If we don't get that rest and sleep, it is going to affect us physically, emotionally. And turn off your phones. If you are seeing something on your phone, 11 bajke, 12 bajke, 1 bajke, and you are unable to sleep, that is affecting your life. That device, that all that activity on social media, that is affecting your life. And that maybe it causes insomnia, maybe it causes so many other problems in your life. So you have to listen to your body. Your body aapko kya keh rahi hai? Eat very well, diet. Again, don't eat a lot or don't eat too little. Don't indulge in emotional eating. How your body will react, what you are putting in it, what you are eating, what you are feeling, what you are storing in your body, it will affect. Jo aap kha rahe hain, wo aapki, it is affecting your physical health. It is affecting your emotional health as well. So boundaries. It is very important to maintain boundaries in our life. Hamari society mein to wo concept hi nahi hai, to give ourselves or to give others that space and privacy. कि हम बाउंड्रीज सेट करें, हम बता सकें कि दिस दिस इज आर राइट, दिस इज व्हाट आई कैन डू, दिस इज द अदर व्हाट इज अदर पर्सन कैन डू. इट इज नॉट माय जॉब टू फिक्स अदर्स. दूसरों को ठीक करना मेरा मसला नहीं है. दैट डज नॉट मेक अस अ हीलर और दैट डज नॉट मेक अस स्ट्रांग, दैट डज नॉट मेक अस सुपर ह्यूमन बींग. इट इज नॉट आर जॉब टू प्लीज अदर, इट इज नॉट आर जॉब टू फिक्स अदर्स. दूसरों को give them the space and privacy. It is okay if others get angry. अगर दूसरे आपसे गुस्सा होते हैं, it's okay. You don't have to feel guilty towards it. That is not always your fault. You are not responsible for it. It's okay to say no. Learn to say no to others. That is again part of people pleasing behavior. It is not your job to make others happy or to always please them. It is not my job to take responsibility for others. दूसरों की गलतियों के लिए, दूसरों की अच्छी चीजें, बुरी चीजें, everything is part of it. That is not your responsibility. What you are doing, that is your responsibility. I don't have to anticipate need of others. Without realizing, we do it actually, and we do it. I think as a society, we do it. हम सोचना शुरू करते हैं दूसरों को क्या चाहिए, and then we act on it. We don't realize that is not our place, and that is not my responsibility to think and fulfill other people's needs. It is my job to make me happy. You are responsible for your own happiness, and you are in charge of your own happiness. You can make yourself happy, you can make yourself unhappy. Nobody has to agree with you. Again, how rigid is your thinking pattern, how rigid is your coping style. कि जो सब कह रहे हैं वो जो मैं कह रहा हूँ वही सब कह रहे हैं, या जो सब कह रहे हैं वो मुझे भी वही सोचना चाहिए. Agreement with different perspective. बिल्कुल. I have a right to feel my own feelings. You have to own and you have to accept and identify what you are feeling, what you are going through. Allow yourself. That is your right. I'm feeling angry, it's okay. I'm feeling jealous, that's okay.
I'm feeling helpless, that's okay. I'm feeling hurt, it's okay. Allow yourself, because we are human beings, we are not machines, and we are not perfect. Allow yourself that space to feel what you're going through in life. So, I am enough. You accept yourself the way you are. And we end here. Any question, anything? Questionably comment, because we are all people. I feel like it's so much harder to realize all this. For us, it's much easier. Yes, as a woman. But for you, to do this, to believe your feelings, to recognize your feelings, exactly. We as men from very early age, childhood, boys can't cry. Ladke nahi rote. Boys have to be strong. There are so many myths, misconceptions. Jiske saath hum bade hote hain, jo hum own karte hain, they become part of us. Even grief. Yes, grief. We don't allow, men in our society are not allowed to feel even death of a loved one, that grief. That grief cycle is very natural. And it has to happen on its own time. But we don't allow ourselves. We don't allow ourselves to even cry. We don't allow ourselves to feel that someone is not part of our life anymore. We just block it because we have to stay strong. Because you have to portray that you are strong. And that is very stressful. ये जो है ना पावर पॉइंट भी सबको दे देना चलिए ठीक है आई